मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है। मैं उनके संपर्क में हूँ, जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी, और तो कुछ बचा नहीं, तो सांसद प्रतिनिधि बनो। और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया। ये कुमराज का उदाहरण, संभवतः वो लोग सभा में होंगे भी, तो ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है, उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं, क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार गए, या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं। तो साथियों, ये सब कहना आवश्यक है। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था, और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया, और क्यों बीजेपी को वोट मिलते बंटाधार होते, बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे, और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं, अभी पदयात्रा निकलेगी, हम लोग सब जाएंगे। ये वीडियो राहुल गांधी को आज जरूर भेजना, कांग्रेस पार्टी को भेजना, उसको जरूर वायरल करना। मैंने जो जो कहा, एक एक शब्द कहा, वो तय कर ले कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से चलेगी, सत्ता के दलालों से चलेगी या उन नेताओं से चलेगी जो गुमराह हो चुके हैं और इन सत्ता के दलालों के कहने पर चल रहे हैं। ये तय कर ले कांग्रेस पार्टी किन से चले। और मैं आज फिर एक बात कहता हूं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा मेरा भाषण, कि जैसा मैंने पहले कहा है, 72 लोगों ने मिलकर एक पार्टी खड़ी की थी, कांग्रेस पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी से जो हटके गए हैं, उन्होंने बंगाल में सरकार बनाई है, उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन्होंने आंध्र में सरकार बनाई है। कहीं ऐसी नौबत ना आए कि 72 लोग यहां भी इकट्ठे हो और अगली सरकार उस कांग्रेस की बने, इस कांग्रेस की बने। ये साहस कांग्रेस के कार्यकर्ता में है, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों लोग हैं। कोई भी एक निकल के चीज निकल पड़ा ना, तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। आप सब बधाई, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।